Hello everyone, welcome to my channel once again. So in this video I'm going to discuss an activity based on representation of numbers on number line. So let's have a look. Representation of rational numbers on number line. Let's do an activity based on it. So what you have to do for this activity, you have to take cutouts of different colors in the form of rectangle, because we are going to represent number line on it. So take as many required. Now choose any rational number of your own choice. I'm taking 4 by 7. So I'm going to represent 4 by 7 in this activity. You may take any rational number of your own choice and accordingly do it. Now, what we have to do, we will draw number line. So take one strip of rectangular strip, take one strip. So कैसे करना ना इसको, टू मेक इट एट्रैक्टिव, एक थर्माकोल की कटिंग लेना इतनी लंबी, उस थर्माकोल की कटिंग पे इस पेपर को पेस्ट करना और चार्ट पेपर के ऊपर उसको पेस्टिंग करनी है, ठीक है? तो चार्ट पेपर पे कर सकते हो, A3 शीट पे कर सकते हो, या फिर कोई क्राफ्टिंग से कोई आपने डिजाइन क्रिएट किया और उस डिजाइन के ऊपर आप पेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे भी आपको क्रिएटिव बनाना है, जितना क्रिएटिव आप बना सकते हो उतना। अगर आप चार्ट पेपर पे कर रहे हो तो थर्माकोल के ऊपर करके करना, जिससे कि थोड़ा सा 3D व्यू क्रिएट हो और वो अच्छा लगे, ठीक है? तो इस कटिंग को उसके ऊपर पेस्ट कर देना है और एक नंबर लाइन ऐसे बना देनी है विद डार्क कलर, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1। नाउ बिकॉज 4 by 7 हमने लिया था, दिस इज स्टेप नंबर 1। लेट्स मूव टू अनदर स्टेप, विल टेक अनदर कट आउट। स्टेप टू वुड बी इस कटिंग में अब हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, 0 by 7, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, 7 by 7, ठीक है? हमारा नंबर था 4 by 7, इसलिए हम 4 by 7 के बाद भी कंटिन्यू करेंगे जब तक कि सेम डिजिट ना आ जाए। तो 0 से लेकर 7 तक अपॉन करके ऐसे रिप्रेजेंट करना है और इसको हाईलाइट करना। तो ये अनदर थर्माकोल की कटिंग होगी और उस पर दूसरे स्ट्रिप पेस्ट करना है, और जो हाईलाइट आप करेंगे वो दूसरे कलर के स्ट्रिप पेस्ट करना, उस पे थोड़ा सा क्रिएटिव लुक देना, ठीक है? जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और कटआउट लेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये हमारी नंबर लाइन, अभी तक हम इतना कर चुके हैं, अब इस नंबर लाइन में हम ऊपर 0 और 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 by 7 हमारा 0 है और 7 by 7 हमारा 1 है। तो विल हाईलाइट के जो हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो दिस वुड बी द थर्ड कटआउट। तो तीसरे थर्माकोल की कटिंग पे ये करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी अनदर कटआउट पे, ये हम इतना कर चुके थे, अब हमारा स्टेप होगा हाईलाइट करना। हाईलाइट द आस्क्ड फ्रैक्शन, मतलब जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये वाला, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है? सो फिर से एक कटिंग लेनी है थर्माकोल पे, उसको पेस्ट करना है, हाईलाइट करना है दूसरे कलर से, जैसे मैं दूसरे दूसरे कलर ले रही हूँ ऐसे आप भी लेना, जिससे कि वो सुंदर लगे, और हाईलाइटिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करना है। सो दिस इज अबाउट लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप अपने आप से कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल, बट जो आप डिवाइड करोगे, मतलब 0 by 7, 1 by 7 जो मैंने लिया था, कितने पार्ट्स बनाने हैं वो डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। So I hope this is clear. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.